रहा कि वो बकरी वो बकरा पैसा वाला नहीं हो जाएगा, तो वो इंसान दो लोगों का कास्ट कर लीजिए, मिसाल हो जाएगा, दोनों ही हो सकते हैं। बिल्कुल पाजी जी, क्योंकि जिस चैनल ने इसे किया है ये एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल है, बड़ा चैनल है और भोजपुरी इंडस्ट्री में देखूंगी और गुल्लू के चौके भी क्या है। एक बार मैं हेडलाइन बकरी कौन सी वाली ले रहा हूं, हेडलाइन लिखी खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी की बड़ी खबर से कर दी। हालांकि एंकर ने पूछा भी कि आप कह रहे हैं बकरी से आप रोमांस करेंगे तो आपके मतलब सारे झूठे बकरी नहीं है, तो नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। तो मिला जुला कि ये बड़ी बड़ी कहानी क्या लगता है कि आपको रियली कहानी जिस तक पहुँचने में जरूर क्या होने चाहिए? मुझे तो यही लगता है क्योंकि मैंने वो कहानी सुनी हुई है और वो कहानी हमारे जाने माने डायरेक्टर्स में से ही है, जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स जो उनके साथ में रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, नाम भी ले सकती हूँ उनका, तो उन्होंने ये कहानी मुझे भी सुनाई थी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि अरे यार ऐसा भी मतलब कर सकते आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में हम लोग जो देखते हैं उसमें नाग नागिन हाथी समावेश काफी होगा, लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको, मतलब काफी रुचि से देखते हैं, तो इनको इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज नए नए खुलापाती आइडियाज सब जरूर आते होंगे ना, तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द आइडियाज है और मुझे लगता है शायद ये रजनीश जी का ही कॉन्सेप्ट है जो मेरे नॉलेज में है।